नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ की आवाज में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। धरसिया विधानसभा में अनुज शर्मा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला के चलते अनुज शर्मा ने दिग्गज नेत्री छाया वर्मा को जबरदस्त पटकनी दिया है। हमारी टीम आज बीजेपी समर्थकों से मुलाकात करने पहुंची, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता जा मिठाई केक पटाखे फोड़कर नाच गाकर जश्न मनाते हुए दिखे। साथ ही महिलाओं में भी काफी उत्साह दिखा। बच्चों ने भी अनुज शर्मा के लिए गाने गाकर बधाई। जगह जगह जय श्री राम के नारे से धरसिया सिलियारी सिलतरा गूंज उठा। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की गई, जिसमें वो बीजेपी को बधाई देते हुए दिखे। नमस्कार, आज हम पहुंचे धरसिया विधानसभा में, गांव धरसिया ग्राम पंचायत में। आप सभी का न्यूज 36 लाइव में हार्दिक स्वागत है। और एक जबरदस्त माहौल धरसिया में, और अनुज शर्मा की जीत का जश्न देखने को मिला। और त्रिकोणीय मुकाबले में एक भारी बहुमत से अनुज शर्मा को यहां से धरसिया से जीत मिली। धरसिया विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट, काफी उत्साहित बीजेपी के लोग और कार्यकर्ता यहाँ पर भारी धूम धड़ाके के साथ बाजे गाजे के साथ पहुंचे। डायरेक्ट उसे बात के बारे में महोदय बताएं, अनुज शर्मा जी जीत चुके हैं ऐसे माने या जीत रहे हैं माने? नहीं, वो तो जीत ही चुके हैं। जीत चुके हैं, और मैं कहना चाहूंगा बहुत बड़ी जीत है जी। और एक मिसाल कायम किए हैं अनुज शर्मा जी ने जी। उनको बहुत बहुत बधाई जी। भारतीय जनता पार्टी तो ये बता रहे हैं कि निश्चित जीत से हाँ बहुत ही हाँ उल्लास का माहौल धरसिया में। तो अनुज शर्मा जी एक भारी बहुमत से जीते हुए हैं, और भारी विश्वास लोगों ने उनके ऊपर जताया है। निश्चित ही खुशी की लहर, और भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि बताएं महोदय कैसे लग रहा है आपके कैंडिडेट को जीतते हुए देखते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। ये सब मोदी जी के जो नेतृत्व में या उसके गारंटी पे जो चुनाव लड़ा गया जी, और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत लगी है उसके बदौलत हमारे प्रत्याशी को विजय श्री हासिल हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई कार्यकर्ताओं की ओर से। और भी महिलाएं यहाँ धरसिया में उत्सुकता देखने को मिली, महिला जनताओं में, लोगों में, महिलाओं में, बच्चों में भी उत्सुकता देखने को मिली कि अनुज शर्मा जीते हैं, उसकी खुशी में रोड में उतर आए। और धरसिया में जानने की कोशिश करते महिलाओं से, खासकर वो काफी उत्सुक नजर आ रही है, क्योंकि एक छॉलीवुड सुपर स्टार, त्रिकोणी मुकाबला, हाई प्रोफाइल सीट धरसिया, और निश्चित 5 साल का डिस्टेंस के बाद पूर्व 15 साल के विधायक प्रतिनिधि रहे उत्कृष्ट विधायक देव जी भाई पटेल जी ने अपना एक बहुकीमती सीट खोया था, उसे आज अनुज शर्मा ने साकार कर दिखाया। आप देखते हैं महिलाओं से उनकी उत्सुकता, जानते हैं उनकी जीत का वजह और क्यों उसे इतना पसंद करते जानते हैं। सीधा आप महिलाओं से बात करते हैं जी, बताएं कैसा लगा आपके नेता जीते हुए अनुज शर्मा जी, क्या बोलना चाहें उनके बारे में? बहुत अच्छा है जी। और बताइए उनके बारे में आपकी प्रतिक्रिया। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी फिल्मी स्टार है जी, जन बुलो माँ बाप में बहुत अच्छा काम किए हैं जी। अनुज शर्मा ही ने यहाँ के विधायक बनना था जी। बन गए जी। और भी लोगों से बात करते हैं जी, बताएं कैसे लग रहा है आज अनुज शर्मा को विजय के रूप में देखा जा रहा है, आप बताएं। और भी बताएं कैसे लग रहा है अनुज शर्मा जीत की ओर बढ़ चुके हैं या जीत में मान लेते हैं? तो जीत नहीं मान लीजिए जी, जीत गए ऐसा कहना है जनताओं की। बताएं कैसी प्रतिक्रिया है आप लोग की? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, जैसे ही वो हीरो अच्छे हैं जी, हीरो वैसे यहाँ विधानसभा में भी हीरो का ही काम करेंगे, अच्छे काम जी जी जी। कुछ बोल रहे थे आप, बताएं जी। हम उनसे यही उम्मीद है कि आने वाले मतलब जो 5 साल वर्ष है उनका, वो अच्छा योगदान दे हम लोगों के लिए, मतलब कुछ अच्छा जो भी मतलब कार्य अच्छा करना रहेगा, उससे मतलब पब्लिक को संतुष्ट करें, यही हमसे मतलब आता है। अनुज शर्मा में ऐसे क्या देखे कि जनता एकदम टूट पड़ी उनके ऊपर, आधा उनके ऊपर विश्वास और भरोसा दिखाया और अनुज शर्मा को विजय दिला? सर पहली बात तो उनका मतलब छॉलीवुड में जो है उनमें सब मतलब प्रेरित बच्चे लोग भी मतलब उनसे ये हो गए कि एक जाना पहचाना चेहरा ठीक था, इसलिए मतलब उनसे ज्यादा काफी फैन फॉलोइंग उनकी प्रसिद्ध आदि छॉलीवुड के सुपरस्टार जी। मैम आप बताएं कैसा लगा आपको अनुज शर्मा की जीत से, आप लोग खुश हैं जी? उनकी आपकी प्रतिक्रिया बताएं कैसा लग रहा है? काफी उत्साह देखने को मिल रहा है धरसिया हाई प्रोफाइल सीट, बताएं जी। महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी रोड पे आज देखने को मिला धरसिया, बच्चों से ही बात करते हैं, उनकी भी क्या प्रतिक्रिया जी, कैसा लगा? अनुज शर्मा को जानते हैं आप, पहचानते हैं? बहुत बड़े सुपरस्टार जी, जिन्होंने जन बोला माँ बाप मूवीज जी छत्तीसगढ़ी जी, वो छत्तीसगढ़ी सांस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो मुझे पसंद जी जी जी। बताएं आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अनुज शर्मा को देखे हैं, करीब से मिले हैं, आपके घर आए थे चुनाव के समय,
क्या मैसेज देना चाहेंगे आज वो जीत चुके हैं? जी बताएं, आप बताएं सर, बताएं कैसा लग रहा है? अनुज शर्मा को जानते हैं आप, पहचानते हैं, अच्छा लगा। तो बच्चे भी काफी रुचि अपना बता रहे हैं। जी अनुज शर्मा के लिए गाना प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल। तुमन वोटे भैया खड़े कमल छाप मनु शर्मा, तुमन वोटे भैया खड़े कमल छाप मनु शर्मा, बोला जाना है ना अनुज भैया के संग, बोला जाना है ना, बोला जाना है ना अनुज भैया के संग, बोला जाना है ना। काफी लोगों में उत्साह और अनुज शर्मा की भावा जीत विश्व दर्शाता है दर्शिया में की एक नए किरण की उदय हुई है। अनुज शर्मा के नाम दर्शिया विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट, बच्चों ने उनके लिए गाना पेश करके उनकी खुशी का जाहिर किया। तब तक और भी आगे देखते हैं। अनुज शर्मा यहां से दर्शिया विधानसभा से एक जन नायक के रूप में जीत दर्ज हासिल किया। निश्चित ही उनके कार्यकर्ताओं से उनकी उत्सुकता खुशियों को जाहिर करते हुए इस रोड में शो करते मिले, जानते हैं उनसे उत्सुकता। और डायरेक्ट हमारे भाजपा के युवा नेता दिलेन यादव से डायरेक्ट बात करते हैं, बताएं कैसा लग रहा है आपके नेता जीत गए? हमारे गांव में खुशी की लहर है क्योंकि पहली बार सिलियारी में ऐतिहासिक वोटों से सिलियारी जीता है। 600 वोटों से हमेशा हारते आ रही थी सिलियारी, लेकिन हम सब इन कार्यकर्ताओं के बदौलत और मेहनत से, कड़ी मेहनत से हम सिलियारी जीते हैं। बहुत उत्साह है, खुशी है, हम लोग सब मजे में हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि इस बार मैं बूथ स्तर में चुनाव लड़ना था और सभी बूथ के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया और ये मेहनत रंग लाई और हमने 600 वोट से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाई प्रोफाइल सीट थी सर, निश्चित ही एक नए चेहरे के रूप में बॉलीवुड सुपर स्टार जिन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा छाया वर्मा कहा करते थे, कैसे इतनी बड़ी पटकनी बताएं? छाया शर्मा जो कह रही थी वो तो अब कहने लायक नहीं बची क्योंकि अनुज भैया के साथ हम लोग को काम करने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि युवा चेहरा है, जोश है और पद्मश्री है। हमें उत्सुकता है कि अनुज भैया के अपने लुभाने गाने से, डांस से, ऐसा क्या माने उसकी लुभाने? मोदी की गारंटी तो 100% छाई है ना, मोदी की गारंटी तो है, लेकिन उसके बाद भी अनुज भैया का जो छवि है और उसकी जो एक्टिविटी, जो सिलियारी में कम से कम 3 से 4 बार लोगों के घर से घर, एक एक घर आके डोर टू डोर मिले हैं, सबसे मिले हैं और अपना छाप तो उसका अलग ही है। और भी जानते बताएं कैसा लग रहा है आपके नेता जीते हुए? बताएं। बहुत खुशी हो रही है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है भाजपा की और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कमल कपूर हमेशा ऐसे खिलता रहे। और जो लोग हैं बताओ, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे भगवान राम वनवास से लौट कर आए थे वैसे उनकी पार्टी आज वापस लौट के आई है, हम बहुत खुश हैं। 5 साल का सबसे पहले आप लोगों को सब नमस्कार करता हूँ कि हार जीत चुनाव में होता रहता है जी। जीतने वाले को सम्मान करते हैं जी, उसको बहुत बहुत बधाई जी। और जो वादा किए हैं बीजेपी वाले उसको पूरा करे, यही हम उससे अपेक्षा करते हैं जी। और उसको और एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जीत के बधाई देते हैं। सर इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट धरसीमा विधानसभा, अनिता योगेंद्र शर्मा का गढ़ था, उसके बाद कांग्रेस अच्छा तो जा रहा था, कैसे अचानक से क्या हुआ, क्या मानते हैं हार का कारण? नहीं, हार का कारण है और मोदी जी जो आए थे जो राममय जी, तो उसमें फर्क पड़ता है, राम के नाम पे वोट उन्होंने कलेक्ट कर लिया, समझे कि किसी नाम से वजन उसके तरफ पलड़ा भारी होता है। अनुज सर और भी जन से जानने के लिए, जी महोदय बताएं कैसे इतनी बड़ी जनता का जनाधार हमको स्वीकार है जी। अब स्वीकार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भाजपा ने हमको इतना लुभावना ऑफर दिया है, उसमें हम आकर्षित हो गए और जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से